हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नाउ आई टेक कस्टमर वन टुडे। बच्चों, ये जो कस्टमर वन ले रहे हैं, ये आपकी एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 24 है, जिसे मैंने क्वेश्चन नंबर वन नाम दिया है। तो लेट्स रीड द स्टेटमेंट। इंटीग्रल 2 cos x - 3 sin x / 6 cos x + 4 sin x dx। हमने इसका इंटीग्रल निकालना है। तो इसका इंटीग्रल कैसे निकालना है बच्चों, देख लीजिए। आप यहाँ देख रहे हो कि डिनोमिनेटर के अंदर, यहाँ देखो, ये 2 यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे बाहर। ओके, तो डिनोमिनेटर से कॉमन आ रहा 2, तो टेकिंग आउट 2 कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर और द ग्रीन फ्रैक्शन 1/2। अगर यहाँ से 2 कॉमन लिया तो डिनोमिनेटर से, तो ऊपर वाला सेम रहेगा डिनोमिनेटर 2 cos x - 3 sin x / बाय, जैसे हमने बच्चों यहाँ कहा कि बच्चों 2 यहाँ से मैंने क्या कॉमन ले लिया है दोनों टर्मों से, तो 2 बाहर लिए तो 2 3 6 और 2 2 4, तो यहाँ पर 3 cos x + 2 sin x dx। तो पुट यहाँ लगाएंगे बाय सब्स्टिट्यूट मेथड लगाएंगे। सब्स्टिट्यूट मेथड से बच्चों से इसको हमने सॉल्व करना है। जैसे आप देख रहे हो बच्चों, ये फंक्शन है और ये फंक्शन का डेरिवेटिव है। फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो फंक्शन को टी पुट कर लेंगे, इसका डेरिवेटिव निकाल बच्चों यहाँ से। डेरिवेटिव निकाल के पहले लेंगे पॉजिटिव टर्म, बाद में लेंगे नेगेटिव टर्म। ओके, dx / dt, तो इसका क्या आ गया बच्चों, फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। अब यहाँ पुट करेंगे क्वेश्चन के अंदर, देयरफॉर आई इज इक्वल टू, क्योंकि बच्चों जिसको लेट आई किया है, इसको आई लेट कर लेंगे बच्चों, इंटीग्रल को आई लेट मान लेंगे, तो देयरफॉर आई की वैल्यू क्या आई है 1/2 इंटीग्रेशन। बच्चों ये इक्वल है किसके, आप यहाँ देख रहे हो बच्चों, ये वैल्यू आई है, हाँ जी, 2 cos x - 3 sin x dx, ये इक्वल है बच्चों dt के, और डिवाइड बाय ये बच्चों हमने इसको t सपोज किया था, तो डिवाइड बाय t इज इक्वल टू 1/2 log modulus t + c। ओके बच्चों, क्योंकि 1/t का क्या होता है इंटीग्रेशन, log modulus t + c। t की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने बच्चों जो की स्टार्टिंग में 3 cos x + 2 sin x। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे 2, ये आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का आपका, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 24 है बच्चों, असल 7.2 का आपका आंसर आ जाएगा। आप लेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर जो 2 तो ले रहे हैं, ये आपकी आपका क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज 7.2 का बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 पड़ता है। ओके, आप देख लेना 32 और 33, ये दोनों सेम टाइप क्वेश्चन बच्चों। 32 तो आपका सेम है, और 33 भी क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस और कोट के साथ 10 हो जाएगा, 1 - 10x हो जाएगा बच्चों, सेम बिल्कुल कोट 10 की वो ऐसे निकालना है, फर्क ना, जहाँ पर आप कोस बाय साइन करो वहाँ पर साइन बाय कोस हो जाए बच्चों। ओके, बाकी सेम प्रोसेस वही रहेगी 32 और 33 क्वेश्चन की। तो लेट्स वो आई मानेंगे कि क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रल dx डिवाइड बाय 1 + cot x इज इक्वल टू dx, इसको बच्चों cot x को बड़े करेंगे साइन बाय साइन कोस के रेशियो में, साइन बाय कोस फॉर्म में, तो यहाँ से एलसीएम लिया बच्चों, एलसीएम साइन एक्स, साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और बच्चों डिनोमिनेटर देखो एलसीएम साइन एक्स है, डिवाइड के डिवाइड तो ऊपर चला जाएगा dx, तो 1/2 अब क्या देखो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ओके बच्चों, तो साइन 2x प्लस कोस एक्स, अब 2 साइन एक्स है, तो 2 साइन एक्स को लेंगे साइन एक्स प्लस साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स प्लस साइन एक्स का होता है 2 साइन एक्स होता है, तो 2 साइन एक्स को हम साइन एक्स प्लस कोस एक्स, बच्चों साइन एक्स में हम कोस एक्स प्लस जोड़ देंगे, प्लस करेंगे, और जो कोस एक्स प्लस करेंगे तो सेम इतना ही माइनस भी करेंगे, सेम नंबर प्लस कर दिया दिए गए फंक्शन में, सेम नंबर हमने माइनस कर दिया, तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स, अगर इसको सोल्व करें तो कोस एक्स कोस कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, और साइन प्लस साइन 2 साइन एक्स हो जाएगा, जो कि गिवन है। ओके, तो 2 साइन एक्स को आपने इस फॉर्म में लिखना बच्चों, और नीचे क्या है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, अब सेपरेट टर्म करेंगे, साइन एक्स बाई कोस एक्स के डिवाइड भी साइन एक्स बाई कोस एक्स करेंगे, दोनों सेम है कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, यानी कि dx आएगा ओनली, मल्टीप्लाई करेंगे इसके दोनों टर्मों को अलग अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे बच्चों, और साइन एक्स माइनस कोस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx। ओके बच्चों, 1/2 दोनों के हैं इज इक्वल टू बच्चों यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन x होता है x / 2 प्लस, इसको आई वन मान लेंगे इंटीग्रल। ओके, 1/2, और इस इंटीग्रल नाम दे दिया I1। ओके बच्चों, फर्स्ट इंटीग्रल दे दिया, वेर I1 क्या नाम है ये देखो, आप पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं इसको, I1 का मीनिंग इंटीग्रल sin x - cos x / sin x + cos x dx, इक्वेशन नंबर नाम 1 देंगे बच्चों, इक्वेशन नंबर 1। अब पुटिंग यहां तो आप देख रहे हो एक फंक्शन है, नीचे देखो नीचे वाला फंक्शन है, रुको वाला इस फंक्शन का क्या डेरिवेटिव है, तो फंक्शन को टी पुट करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, यहां से माइनस कॉमन लेंगे, तो sin x - cos x sin में चला जाएगा, जो माइनस साइन राइट में जाएगा, तो माइनस dt, तो I1 = इंटीग्रल dt / t माइनस log modulus t, t वैल्यू पुट करेंगे, और बच्चों यहाँ देखो इक्वेशन नंबर जो 1 मैंने यूज किया है, यहाँ पर जो मैंने स्टार्टिंग जो हमने निकाला था आई की वैल्यू x / 2 प्लस 1/2 I1, और I1 की वैल्यू इक्वेशन 1 यूज करके I1 निकाल सकते हैं, इंटीग्रल निकाल सकते हैं, गिवन क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, अब निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 3। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/cos² x इंटू 1 - 10x का स्केयर, कंप्लीट का स्केयर है बच्चों, 1 - 10x का स्केयर dx,
तो 1 बाय cos kx होता है बच्चों secant kx डिवाइड बाय 1 माइनस tan x का, यहां पे स्क्वेयरिंग बच्चों आप यहां स्क्वेयर लिख सकते हैं यहां पर, क्योंकि यहां पर हमारे पास देयर कंप्लीटिंग स्क्वेयर है। तो पुट 1 माइनस tan x को t आप रिज्यूम कर ले बच्चों, तो यहां पर डेरिवेटिव निकालेंगे, डिविजन टू बोथ साइड्स बाय 2x, कांस्टेंट का 0 माइनस tan का होता है secant स्क्वेयर x dx dt, तो secant स्क्वेयर x dx माइनस हो जाए बच्चों यहां साइन जाके माइनस का dt, तब पुट करेंगे वैल्यू बच्चों यहां पर, वैल्यू यहां पर t स्क्वायर बच्चों, अब यहां देखो बच्चों यहां वैल्यू जो आएगी यहां पर, इसको हमने t पुट किया तो t स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर जो इंटीग्रेशन आएगा आप यहां इसको लिख सकते हो बच्चों ऊपर जाके माइनस पावर हो जाएगी t की पावर माइनस 2 और dt, तो यहां से इंटीग्रेशन जो आएगा बच्चों आपका वो आएगा इंटीग्रेशन t की पावर बच्चों क्या है माइनस 2, इसमें 1 ऐड हो जाएगी पावर में 1 ऐड हो जाएगा बच्चों, सेम वही डिवाइड किया जाएगा इसी नंबर पावर से माइनस 2 प्लस 1 प्लस c, उसमें बच्चों क्या करेंगे t की वैल्यू पुट करेंगे, t हमने जूम किया बच्चों 1 माइनस tan x की पावर बच्चों माइनस 1 है, तो आप यहाँ माइनस 1 लिख सकते हैं, और यहाँ बच्चों क्या है माइनस 1 प्लस c, बच्चों यहाँ पर क्या आएगा क्योंकि माइनस का साइन है माइनस 1 बाय, देखो बच्चों पावर माइनस की है 1 माइनस tan x की पावर माइनस 1, तो नीचे आगे प्लस की हो जाएगी 1 माइनस tan x प्लस c, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस 1 बाय 1 माइनस tan x प्लस c, इज आर आंसर, ऐसे आपका आंसर है बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, लेट i इज इक्वल टू अंडर रूट sin 2x मल्टीप्लाई cos 2x, तो पुट sin 2x को t जूम करेंगे यहां पर, 2 डेरिवेटिव निकालेंगे, sin होता है cos 2x, 2x होता है 2, dx इज इक्वल dt, तो यानी cos 2x dx क्या आएगा dt / 2 आएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा बच्चों, तो देयर फॉर i इज इक्वल टू, आप यहां देख रहे हो बच्चों क्या है, देखो 1 बाय 2 क्वेश्चन बाहर ले लिया, अंडर रूट इसको t लिया हमने, ये आपका dt हो जाएगा 1 बाय 2, अंडर रूट t का मतलब क्या मतलब होता है बच्चों पावर रूट में लेंगे 1 बाय 2 dt, बच्चों इंटीग्रेशन निकालेंगे पावर ऐड हो जाए 1, तो कोई पावर में 1 ऐड हो जाएगा बच्चों, तो 3 बाय 2 हो जाएगा, और 3 बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बाय 3 हो जाएगा उल्टे के प्लस c, तो 2 से 2 कैंसिल 1 बाय 3 t की पावर 3 बाय 2 प्लस c, t की वैल्यू पुट करेंगे, t हमने लिया बच्चों sin 2x की पावर 3 बाय 2 यानी कि 1 बाय 3 sin की पावर 3 बाय 2 2x, ओके बच्चों आप इसको लिख सकते हैं यहां पर प्लस c, तो 1 बाय 3 sin 2x sin 2x रेस टू पावर 3 बाय 2 प्लस c, इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल cos x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस cos x dx, तो जो अंडर रूट के अंदर डेरिवेटिव बच्चों 1 प्लस sin, इसको t जूम करेंगे डेरिवेटिव निकालेंगे, 1 कांस्टेंट 0 होता है प्लस sin का cos x dx dt, यहां पुट करेंगे वैल्यू बच्चों ऊपर जाके माइनस की पावर हो जाएगी t की पावर माइनस 1 बाय 2 dt, इंटीग्रेशन निकालेंगे 1 ऐड करेंगे पावर में, तो प्लस की क्या होता है t की पावर 1 बाय 2 प्लस c, और फिर से 1 बाय 2 अंडर रूट और t की वैल्यू पुट करेंगे अंडर रूट के अंदर, तो 2 अंडर रूट 1 प्लस sin x प्लस c इज आवर आंसर। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 6, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल cot x log sin x dx, तो log sin x को हम t जूम करेंगे डायरेक्टली निकालेंगे 1 बाय sin log sin x होता है 1 बाय sin x, फिर sin में करेंगे sin होता है cos x dx dt, यहां से cos / sin होता है cot x dx dt, तो i क्या बन जाएगा ये cot x dx dt हो जाएगा, और ये t जूम किया तो इसका इंटीग्रल निकालेंगे t स्क्वायर / 2 + c, t की वैल्यू पुट करेंगे तो log sin x की सारे पावर 2 डिवाइड / 2 + c इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल sin x / 1 + cos x का स्क्वायर dx, 1 + cos x को t जूम करेंगे डायरेक्टली निकालेंगे बच्चों, तो यहां पर sin x dx - dt आएगा, वैल्यू पुट करेंगे i में, तो यहां पर क्या है माइनस dt, और इसको t जूम किया बच्चों t स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर जाके पावर माइनस 2 हो जाएगी, अब इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो पावर में माइनस क्या 1 ऐड करेंगे बच्चों ऊपर भी और नीचे भी सेम, ओके बच्चों प्लस c, तो यहां पर आएगा बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो t की पावर माइनस 2 नीचे आगे बच्चों क्या हो जाएगी t की पावर माइनस 1 हो जाएगी, नीचे आगे प्लस हो जाएगी 1 बाय t प्लस c, और t की वैल्यू जूम करेंगे बच्चों t की वैल्यू पुट करेंगे यानी कि 1 प्लस cos x 1 बाय 1 प्लस cos x प्लस c इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल अंडर √tan x डिवाइडेड बाय sin x मल्टीप्लाई cos x dx, उसको क्या करें बच्चे देखो जो डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे cos x से मल्टीप्लाई करेंगे cos x से डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं बच्चों नोट नोमिनेटर, तो अंडर √tan x डिवाइडेड बाय तो sin / cos होता है tan x, और बच्चों cos को cos से करें तो cos square x, और ऊपर बच्चों 1 है क्योंकि 1 / cos square x होता है secant square x dx, तो पुट यहां tan x को t जूम करेंगे tan x का डायरेक्ट होता है secant square x dx dt, बच्चों आप यहां देख रहे हो tan x को t लिया तो अंडर √t डिवाइड बाय t, और ये इक्वल आप जो dt के तैयार करेंगे dt, अब t में कन्वर्ट कर लिए बच्चों, अब यहां कर रहे हैं अंडर √ का मतलब 1 / 2, ये पावर 1 बच्चों ऊपर जाके माइनस हो जाएगी क्योंकि बेस सेम है dt, तो यहां पर सॉल्व करेंगे तो आएगा t की पावर -1 / 2 dt,
तो बच्चों इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या अगर वन ऐड करेंगे पावर में तो क्या टी की पावर वन बाई टू प्लस हो जाएगी और नीचे भी डिवाइड करेंगे वन बाई टू से तो डिवाइड के डिवाइडेड टू हो जाएगा प्लस सी इज इक्वल टू और टेन टी की वैल्यू पुट करेंगे बच्चों टेन एक्स की पावर वन बाई टू टेन एक्स की पावर वन बाई टू मिल जाए अंडर रूट टेन एक्स यानी कि टू अंडर रूट एस के रूट टेन एक्स प्लस सी इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर एट. नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर नाइन. क्वेश्चन नंबर नाइन लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल वन प्लस लॉग एक्स की पावर टू डिवाइड बाई एक्स. बच्चों ये फंक्शन है, फंक्शन डेरिवेटिव है तो इसको फंक्शन को टी पुट करेंगे डेरिवेटिव निकालेंगे तो सिंपल है बिल्कुल dx by x = dt. बच्चों इसको टी यूज टी स्केयर और ये वन बाय एक्स हो जाएगा डीएक्स वाई. आप यहाँ डीएक्स लिखते हैं डीएक्स बाय एक्स जो कि डी टी के इक्वल है बच्चों. तो यहाँ पर निकाले इंटीग्रेशन एक पावर ऐड हो जाएगा बच्चों पावर में वन ऐड हो जाएगा जो टी पावर थ्री बाय थ्री प्लस सी टी की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा. ओके सिंपल क्वेश्चन है बच्चों तीन छोटे छोटे समय. अब करते हैं क्वेश्चन नंबर टेन. क्वेश्चन नंबर टेन बहुत ही ईजी बहुत ही बच्चों छोटे छोटे क्वेश्चन बच्चे हैं वेरी इजी क्वेश्चन है बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बच्चों. जैसे आप देखते ही बन रहा है कि ये फंक्शन है और यहाँ से बच्चों इसका डायरेक्टिव निकाल लेंगे एक्स प्लस लोग एक्स का डायरेक्टिव करेंगे तो एक्स प्लस वन बाय एक्स आएगा. ओके बच्चों जो कि डी टी के इक्वल आएगा. आप यहाँ देख सकते हैं इसको टी पुट किया डायरेक्टिव निकाल लेंगे डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स का वन प्लस लोग एक्स वन बाय एक्स डी एक्स डी टी एलसीएम लेंगे बच्चों तो एक्स प्लस वन बाय एक्स डी एक्स डी टी. अब ये इंटीग्रल पुट करेंगे. अब यहाँ बच्चों देख रहे हैं इसको टी चुन गया तो पार टू है तो टी स्केयर और एक्स प्लस वन बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी के तो यहाँ पर डी टी लिखेंगे टी स्केयर की वैल्यू टी स्केयर का इंटीग्रेशन क्या निकलेगा बच्चों टी की पावर थ्री बाय थ्री हो जाएगा. ओके क्योंकि वन ऐड करेंगे बच्चों पावर में तो थ्री और यहाँ थ्री डिवाइड करेंगे प्लस सी करेंगे बच्चों प्लस सी लेंगे यानी कॉन्स्टेंट. जैसे कि बच्चों आपको पता है यहाँ टी की वैल्यू पुट करेंगे और थ्री से डिवाइड करेंगे प्लस सी. दिस आर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर टेन. नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर इलेवन. क्वेश्चन नंबर इलेवन बच्चों बहुत ही मैं पहले बता रहा हूँ तो काफी छोटे क्वेश्चन बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन वन वन मार्क्स के क्वेश्चन बच्चों ज्यादा लंबे क्वेश्चन आएंगे वन या टू मार्क्स का क्वेश्चन आने यहाँ से क्योंकि सभी क्वेश्चन एक्सरसाइज सेवन पॉइंट टू के बहुत छोटे समय और इजी समय है. ओके जो कि हम बाय स्पष्ट मेथड से कर रहे हैं तो यहाँ क्या बनता है बच्चों यहाँ फंक्शन है टेन इनवर्स एक्स पावर फोर. देखते बन रहा है बच्चों इसका डायरेक्टिव करेंगे तो आएगा वन बाय वन प्लस एक्स स्केल थीटा का स्केल यहाँ थीटा मीन एक्स पावर फोर तो फोर टू एट होते हैं बच्चों यानी और उसके बाद फिर एंगल का एक्स की पावर फोर. एक्स की पावर फोर का बच्चों आपको पता है फोर एक्स की पावर थ्री डी एक्स इज डी टी तो एक्स की पावर थ्री वन डिवाइड बाई वन प्लस फोर टू जै एट डी एक्स और जो मल्टीपल बच्चे यहाँ फोर ये राइट जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में तो देखो आई इज इक्वल टू वन बाय फोर क्योंकि एक्स की पावर थ्री डिवाइड बाय वन प्लस एक्स की पावर एट तो इसके हिसाब रखेंगे डी टी बाई फोर वन बाय फोर को बाहर ले लेंगे क्वेश्चन को तो उसके बाद साइन ये टी जून कर लिया साइन टी डी टी उसके बाद बच्चों साइन टी का क्या होता है इंटीग्रेशन साइन को होता है माइनस कोस टी प्लस सी तो माइनस वन बाई फोर कोस टी की वैल्यू पुट करेंगे यानी कि टेन इनवर्स एक्स बार फोर प्लस सी इज आवर आंसर. नाउ आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व. क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व जो एक्सरसाइज सेवन पॉइंट टू का बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 38 है ऑप्शन क्वेश्चन है ए बी सी डी में सेवन चूज करना बच्चों करेक्ट ऑप्शन आपने चूज करना है तो ये भी सिंपल बिल्कुल देखते बन रहा है बच्चों बिल्कुल ये वन या टू मिनट के क्वेश्चन है सारे के सारे जितने क्वेश्चन दिए हैं और कोई भी क्वेश्चन में मुश्किल नहीं है सभी ईजी क्वेश्चन है जो भी बच्चों आपके बाय स्पष्ट मेथड के दिए गए हैं या पुटिंग मेथड वाले दिए गए बच्चों यहाँ पर स्पष्ट जो मेथड के क्वेश्चन बहुत ही छोटे और ईजी क्वेश्चन है बच्चों यहाँ से एक या दो नंबर का मार्क्स आ सकता है जो कि केवल एक या मैक्सिमम एक या दो मिनट के दो मिनट से ऊपर हो सकती है मैक्सिमम. तो बच्चों आप यहाँ देखिए क्वेश्चन आपके पास आप देख यहाँ देखिए सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर जो क्वेश्चन मैंने यहाँ प्रिंट किया है. अब यहाँ तो डिनोमिनेटर है बच्चों ये एक फंक्शन है इसको टी जूम कर लेंगे क्योंकि इस जो डिनोमिनेटर वाला जो फंक्शन है बच्चों इसका अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ तो बिल्कुल सेम जो आपका नोमिनेटर वाला फंक्शन देख रहे हो वो सेम इसका डेरिवेटिव है. ओके यानी कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बच्चों नोमिनेटर आता है तो इट मीन जो डिनोमिनेटर का जो फंक्शन है बच्चों इसको टी जूम करेंगे इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी टी के इक्वल आए बच्चे पुटिंग द वैल्यू तो ये डी टी बन गया डिवाइडेड इसको टी जूम किया था और आपको बच्चों पता है कि इंटीग्रेशन डी टी बाई टी तो वन बाई टी का इंटीग्रेशन करता है लॉग मॉडुलस टी आएगा लॉग मॉडुलस टी भी लिख सकते हैं प्लस सी फिर सी यानी कॉन्स्टेंट सी की वैल्यू पुट करें बच्चों प्लस सी तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग टेन की पावर एक्स प्लस एक्स टेन प्लस सी ये आपका डी ऑप्शन मिल जाएगा तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 ये भी ऑप्शन क्वेश्चन है बच्चों. क्वेश्चन नंबर 13 लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स डिवाइड बाई साइन स्केयर एक्स मल्टीप्लाई कोस स्केयर एक्स ये डिवाइडेड दिया बच्चों dx डिवाइड बाई साइन स्केयर एक्स मल्टीप्लाई कोस स्केयर एक्स तो इंटीग्रल अब जो यहाँ देखो वन है यहाँ पर वन लिख सकते हैं dx का कुछ नोन होता है तो रिलेशन बनाएंगे साइन स्केयर कोस स्केयर बच्चों आज आपको पता है बच्चों आपने 10th क्लास में लर्न किए थे फॉर्मूले बिकॉज वी नो दैट साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इक्वल टू 1 होता है थीटा मीन यहाँ पर एंगल x है बच्चों तो ये रिलेशन यूज करेंगे 1 वाला यहाँ पर 1 के साथ पुट करेंगे साइन स्केयर x प्लस कोस स्केयर x
डिवाइड बाई आपका गिवन फंक्शन है बच्चों साइंस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ क्या सेपरेट लेंगे यहाँ पर साइंस स्क्वायर एक्स के डिवाइड भी करेंगे साइंस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स में डिवाइड में करेंगे डिनोमिनेटर को साइंस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर एक्स बच्चों ओके यानी कि सेपरेट टू टर्म में इसको ब्रेक करेंगे रिजोल्व करेंगे इसको साइंस स्क्वायर से साइंस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर आएगा वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स। बच्चों आपको पता है यू नो कि वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेकंड स्क्वायर एक्स के प्लस इसी प्रकार बच्चों कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ आएगा वन बाई साइंस स्क्वायर। और आपको ये पता है तो बच्चों एज यू नो वेरी वेल कि वन बाई साइंस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस सेकंड स्क्वायर एक्स के ओके विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स क्योंकि बच्चों एक्स के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रल कर रहे हैं तो सेकंड स्क्वायर का जो बच्चों होता है इंटीग्रेशन क्या होता है टेन होता है जो टेन एक्स ओके माइनस और कोसेकंड स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कोट एक्स तो प्लस की माइनस की मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगी प्लस सी वेर सी यानी कॉन्स्टेंट तो देयर फॉर टेन एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी इज आवर आंसर। तो बच्चों आपका जो ऑप्शन बी है 39 क्वेश्चन का ओके बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 का एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 39 का बच्चों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो बच्चों आपने आज के लिए इतना ही प्रैक्टिस करना बच्चों काफी छोटे छोटे से मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी ओके तो थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे अगेन।